Assalamualaikum, this is Ranjeet. I'm a management consultant, certified success coach. आज इस टॉपिक पे आप बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। और ट्रिकल डाउन इफेक्ट में एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें श्यामलाल की रहा था और उनकी दो गलतियां, जिसमें चिंटू और दीपू भी शामिल है। इन चार फनी स्टोरी के अंदर ऐसे कमाल का टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं जिसमें आपको पता लगेगा कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता क्या है और ट्रिकल डाउन इफेक्ट के होने की वजह से मुझ पे क्या इंपैक्ट होगा और मेरे इस ट्रिकल डाउन इफेक्ट से बाकी लोगों पे क्या इंपैक्ट होगा। आज बताता हूं कि श्यामलाल ने गलती क्या की। श्यामलाल बड़ा पंक्चुअल आदमी, हमेशा टाइम पे काम करता, लेकिन एक दिन बुराई सर चढ़ी थी, ऑफिस जाने में लेट हो गए। हमेशा 8:30 बजे जाते थे, 9 बजे ऑफिस का टाइम है, एक दिन गाड़ी पंक्चर हो गई, बताना भूल गए। मैं और वो दिमाग में सोचने लगे, मैं तो कभी लेट होता ही नहीं हूं, क्यों बॉस को इन्फॉर्म करूं। उसी दिन बॉस जल्दी ऑफिस आ गए, 8:30 बजे के बैठे हुए थे, जनाब श्यामलाल 9:45 को ऑफिस पहुंचते हैं और पहली नजर पड़ती है उसके बॉस की, बुलाते हैं श्यामलाल को, जरा अंदर आइए, आपसे कोई प्राइवेट बात करनी है। पूछा कि लेट क्यों है, इसका मतलब तुम हमेशा ही लेट आते हो ना, और कहते हो मैं 8:30 बजे आता हूं। वो जा सफाइयां दे रहा है, नहीं सर आज पहली बार तो गलती हुई है। उसने कहा अपनी बकवास बंद कीजिए, मुझे ये बताइए कल मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया, बॉस पता है करता क्या है, जिस दिन तुम ये गलती करते हो वो 8 नुक्स जो तुम्हारे नुक्स है ना उसको निकालता है, पूछता है असाइनमेंट किया कि नहीं किया, तुमने क्लाइंट डीलिंग कैसे की, तुमने असाइनमेंट का प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट किया कि नहीं किया। हाँ तुमने मुझे ये बताओ जो लास्ट मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जब ये गलती करोगे बॉस इसे 9 गलतियां मजीद निकालेगा। यही तो कमाल है बॉस का। इसी से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। दिन का आगाज ऐसी बुराई से स्टार्ट हुआ तो सारा दिन बेचारे श्यामलाल काम करते गए। बॉस की 2:30 बजे कॉल आती है, श्यामलाल मैंने जो अभी आपको एक्सेल पे अभी फाइल भेजी है वो मुझे पूरी करके देंगे और तब तक आप घर नहीं जाएंगे जब तक वो फाइल पूरी नहीं होती। श्यामलाल लगे पड़े हुए 7:30 बज गए, 9 बज गए, बीवी की कॉल आती है, मियां कहां है। वो कहते हैं बस आधे घंटे में वापस आ रहा हूं। और 10 बज जाते हैं, श्यामलाल थके हुए हार हुए बैग लेकर गाड़ी स्टार्ट करते पहुंचते हैं। ऐसे काम करने में ना फिर भाई भूख लगती है ना प्यास लगती है। उस दिन बीवी का मूड बड़ा रोमांटिक था, नीले कलर की साड़ी पहने हुई है और क्या सोच रही थी, जैसे ही मेरे मियाँ श्यामलाल आएंगे उनको ऑफर करूंगी चिकन जिंजर, मुंह में पानी तो आ रहा होगा, और उसके बाद मलाई बोटी और चिकन टिक्का और उनका फेवरेट मीठा। और जैसे ही घंटी बजती है समझ गई श्यामलाल आए होंगे। मेरे मियाँ जैसे ही दरवाजा खोलती है और उन्हें कहती है बस मुंह हाथ धो लीजिए आपके लिए खाना तैयार है। श्यामलाल के साथ जो सुबह 9:45 से लेकर रात को 10 बजे तक हुआ उसको पता ही नहीं था। वो श्यामलाल आते हैं, बीवी से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि बकवास नहीं करना, आज मैं किसी मूड में नहीं हूं, किसी बात करने के मूड में नहीं हूं, और बाहर में जाए तुम्हारा जो खाना जो तुमने फोन पे बताया था नहीं खाना मुझे। वो अंदर जाते हैं दरवाजा पटक करके और दरवाजा बंद कर देते हैं। बीवी अचानक से परेशान, आखिर श्यामलाल को हुआ क्या है, मैंने ऐसा क्या किया। उसको तो स्टोरी पता ही नहीं है ना, गुस्सा आ गया, वो चिकन टिक्का चिकन बोटी चिकन जिंजर डस्टबिन में फेंक दिया और उसके बाद गुस्सा कहां निकाल दी। इस रूम में जाते, रूम खाली है, दूसरे रूम में बैठा हुआ दीपू बड़ा बेटा, उसका मैथ्स का एग्जाम है लेकिन वो लगा पड़ा हुआ है वीडियो गेम में, टकाटक 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 टकाटक। उसका गुस्सा मजीद बढ़ जाता है, तुम्हारा बाप पड़ेगा, तुम्हारे मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में गई थी, तुम्हारे नंबर्स पता चले थे, ये माँ क्या करती रहा था, टाक उसको मारती है और कहती है कि जाओ अपना काम करो। इसे कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, गुस्सा किसी और का निकाला बच्चे पे। और दीपू बड़ा परेशान, माँ ने मुझे मारा। दीपू बाहर जाता है, कोई नहीं मिलता, अगले कमरे में चिंटू बैठा होता है, चिंटू टकाटक बॉल से खेल रहा होता है और उसे कहते हैं तुमने किससे पूछ के बॉल उठाई थी, मेरी बॉल उठाई तुमने, दे लाफे मारना शुरू कर दिया। चिंटू परेशान, बड़े भाई को पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद चिंटू बाहर जाता है, उसके घर में और कोई नहीं है जहां पर वो गुस्सा निकालेगा। वो जैसे ही बाहर जाता है देखता है कुत्ता बैठा हुआ है, पत्थर उठा के कुत्ते को जोर से मारता है। जब जोर से मारता है कुत्ता आऊ आऊ करने के बाद बच्चा बड़ा परेशान, वो किसको काटे वो किसको मारे। देखता है कि बस सामने दो बिल्लियां बैठी हुई हैं, आपस में चलो इश्क लड़ाएं, चलो इश्क लड़ाएं, चलो इश्क लड़ाएं सनम। जैसे ही कुत्ता उनको देखता है उन पे भौंकता है और उस वजह से उस साल बिल्ली के घर में बच्चे पैदा नहीं होते।
ये पार्ट वन था, पार्ट टू में मैं दिखाऊंगा इस स्टोरी का मतलब क्या है। जैसे कि आपने अभी मेरा पार्ट वन देखा कि मैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट के बारे में बता रहा था, उसमें आपने देखा कि 4-5 लोगों की कनेक्टिविटी थी कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ क्यों और उसका एंड लॉस किसको होता है। बीच में तो बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ लेकिन एंड लॉस किसका हुआ। मैंने आपसे एक स्टेटमेंट स्टार्ट में कही थी कि उस साल बिल्ली के घर में बच्चे पैदा नहीं हुए तो इसके जिम्मेदार कौन था, क्या श्यामलाल का बॉस श्यामलाल खुद या फिर उसकी बीवी राधा या चिंटू या दीपू या वो कुत्ता जिसने भोंका उस बिल्ली पर। आखिर इस पूरी चेन के अंदर उसका जिम्मेदार कौन था, क्या ये चेन रुक सकती थी, क्या इस चेन को हम तोड़ सकते थे, आखिर ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें सिखाता क्या है। पार्ट टू कंप्लीटली इसके बारे में सोचिए कौन था जिम्मेदार इसके बारे में, जोर लगाइए दिमाग पे और जोर लगाइए कि जिम्मेदार कौन था, बॉस तो नहीं था या वो कुत्ता तो नहीं था। हर एक आदमी इस पूरी स्टोरी के अंदर ट्रिकल डाउन इफेक्ट को इग्नाइट कर रहा था कि बस उस रात उस साल बिल्ली के घर में बच्चे पैदा ना हो। इस इफेक्ट को रोका जा सकता था अगर श्यामलाल लेट आए और बॉस उसको ऑफिस में बुलाते और कहते कि श्यामलाल हमने तो सुना है आप हमेशा 8:30 बजे आते हैं लेकिन आज 9:45 क्या हुआ था, और कहते श्यामलाल जरा ऑफिस में कैबिन में तो आइएगा मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और श्यामलाल की पूरी बात सुनते, उनकी बात सुनने के बाद अपनी बात कहते, अंडरस्टैंडिंग वर्सेस कम्युनिकेशन प्रॉपरली वो टूल इस्तेमाल करते, तो श्यामलाल को कहते कोई बात नहीं मैं बैठा हूँ आज पहली मरतबा लेट हुए हो, अगर इस तरह से अगर टायर पंक्चर हो तो तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए, और जितने सारे गलतियां और भंड उस वीडियो पहले हिस्से में जो मैंने शेयर किए थे वो ना बताते, कहते कि आज आपके जितने टास्क हैं वो पूरे कीजिएगा और अपने टाइम पे घर जाइएगा, तो श्यामलाल कभी भी आग बगोला ना होते, वो अपना टाइम स्पेंड करते और घर जाते। वही उनकी बीवी राधा नीले कपड़ों में अब खड़ी हुई है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है और कहती है हाथ मुंह धोइए और आज मैंने आपके लिए अच्छा सा खाना तैयार किया है, और श्यामलाल कहता अरे भगवान रहने दो आज मूड बहुत अच्छा है, बच्चों को तैयार करो कहीं घूमने चलते हैं, बारबेक्यू खाते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे चलते हैं, दो दरिया चलते हैं वहाँ बड़े मज़े करेंगे बड़ा मज़ा आएगा। तो क्या बीवी उसकी नाराज़ होती या उसकी बीवी खुश होती, ऑफकोर्स उसकी बीवी खुशी से पागल हो जाती कि आज इतने बड़े दिनों के बाद श्यामलाल बड़े खुश हैं और मुझे ट्रीट के लिए बोल रहे हैं। तो उसकी बीवी श्यामलाल की अगर वो अलग कमरे में जाती, अगर बच्चा पढ़ भी ना रहा होता और वीडियो गेम खेल रहा होता तो शायद उस पर कभी चीखती नहीं कभी चिल्लाती नहीं, उसे कहती बेटा देखो आज तुम्हारे पापा का मूड बहुत अच्छा है, गेम इधर रखो तैयार हो जाओ और जाओ चिंटू को भी बोलो कि आज हम पार्टी पे चल रहे हैं। जैसे वो अंदर चिंटू के रूम में जाता है चिंटू को वो पुरानी वाली बात याद है कि भाई मारेगा, कहता है नहीं नहीं तुम बॉल अपने पास रखो मैं हूं ना, अच्छा अब तैयार हो जाओ, और अब्बा ने बोला कि आज हम सब दो दरिया खाना खाने जाएंगे और पार्टी करेंगे। तो वो जो चिंटू है वो कैसा रिएक्ट करता, क्या वो बाहर जाता कुत्ते को पत्थर मारता, अगर बाहर जाता वो कुत्ते को प्यार करता वो कभी पत्थर नहीं मारता, और अगर कुत्ते से वो प्यार करता कुत्ता कभी बिल्लियों पे भौंकता नहीं, और बिल्लियाँ उस दिन वो गाना गाती चलो इश्क लड़ाएं चलो इश्क लड़ाएं, उस इश्क में वो 2 में से 4, 4 में से 6, 8 बन सकती थी। ये छोटी फनी सी स्टोरी तो थी। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है कि अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो उसका इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे पड़ता है, वो आपकी फैमिली पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आपकी सोच पे आपके बच्चों की लाइफ पे और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं उनकी लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इस वजह से आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन होता है, एंजाइटी क्रिएट होती है और आपका ब्रेन सही काम नहीं कर पाता, और जब आप हमेशा घर आएंगे और घर ऑफिस का काम घर ले आएंगे और घर का काम ऑफिस ले आएंगे आप हमेशा ऑप्टिमम लेवल का स्ट्रेस लेकर जिएंगे, ना आपकी पर्सनल लाइफ बेहतर होगी ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगी। सो मैसेज ये देना चाहता हूँ ट्रिकल डाउन इफेक्ट से ये सीखिए कि अगर आपके बॉस ने आपको ऑफिस में डांटा है प्लीज डोंट टेक दिस ग्रज टू होम, डोंट टेक दिस ग्रज टू योर चिल्ड्रन। अगर आपने नहीं सीखा आप ना कभी प्रोफेशनली ठीक रह सकते हैं ना पर्सनली ठीक रह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ ब्रेक द चेन्स, डोंट पास ऑन योर एंगर ऑन एनीवन, अदरवाइज योर लाइफ बिकम हेल। सो उम्मीद करता हूँ यू विल थिंक पॉजिटिव और पॉजिटिव फीडबैक देंगे और पॉजिटिव लाइक्स देंगे ताकि आगे जाकर मैं और मज़ीद बेहतर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।